हमारे चैनल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रंट से इस कार को दिखाते हैं। तो फ्रंट से सबसे पहले देखो आप इसका डायमेंशन देखो कितना बड़ा है। और अब इसको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है एक टोयोटा का लोगो, यहाँ पे आपको कार्बन फिनिश में ये सब देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी क्रोम में यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए मिल जाती है। और इसमें यहाँ पे डबल DRL आपको देखने के लिए मिलती है, इसमें 2 DRL आती है। और नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ आपको यहाँ लाइट्स मिल जाती है क्रोम में, और यहाँ पे ब्लैक क्रोम मिल जाता है मतलब डार्क क्रोम। और नीचे की तरफ इसकी ग्रिल पे आप थोड़ी ध्यान दीजिए, ग्रिल कितनी शानदार लगती है देखने में। और आगे की तरफ एक कैमरा आ जाता है, क्योंकि भाई ये 360 डिग्री कैमरा इसमें आता है। और नीचे की तरफ आपको कुछ इतना ग्राउंड क्लियरेंस इसमें देखने को मिलता है। ये कार कम्पीट करती है आपकी क्रेटा, सेल्टोस इन सब को। और इसका डायमेंशन देखिए तो क्रेटा सेल्टोस से बहुत ज़्यादा है। अब इसकी साइड लुक में जाते, इसकी साइड लुक में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसके टायर साइज़ को देखिए, इसमें आपको कुछ ऐसे अलॉय मिलते हैं जिसमें बीच में टोयोटा का लोगो मिलता है, और इसमें आपको अपोलो के टायर में देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल इसके आते हैं 215/60R17, इसमें आपको 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपकी आ जाती है हाइब्रिड की बैजिंग, और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के ORVs देखने को मिलते हैं। ये डुअल टोन में ये कार आती है, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है इंडिकेटर, और यहाँ पे इस साइड आपको एक रेजिस्टेंसर देखने को मिलता है। और इसमें ब्रेक्स की बात करें तो आगे की तरफ इसमें डिस्क ब्रेक आते हैं, और पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलते हैं। अब इसकी दूसरी साइड में जाते हैं और दूसरी साइड आपको दिखाते हैं कि दूसरी साइड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले इसका ये ग्लास देखिए, जो पहले से ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है। ग्रैंड विटारा की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको सेम डायमेंशन में ये सब मिलते हैं, बस जो टोयोटा है उन्होंने फीचर बढ़ा दिए इस कार में। इसकी अगर डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फिजिकल की लगाने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंसर देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रोम का वर्क मिलता है, और ऊपर की तरफ आपका ये आ जाता है। और भाई ये देखने में ये कार बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती, मतलब क्या ही बताऊँ। अब इसके इंटीरियर में जाते हैं और इंटीरियर के आपको फीचर दिखाते हैं, इंटीरियर में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। अब इसके इंटीरियर में जाते हैं और इंटीरियर के आपको फीचर दिखाते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या क्या देखने मिलते हैं। सबसे पहले आप इसका ओवरऑल इंटीरियर देखिए, आपको ऐसा दिखाई देता है। इसके अब डोर्स की बात करते हैं तो डोर्स पे आपको यहाँ पे सॉफ्ट फैब्रिक देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आपको विंडोज़ कंट्रोल आ जाते हैं लॉक अनलॉक के, और यहाँ पर आपको ORVM कंट्रोल मिल जाती है। ये डोर खोलने का आपका क्रोम में आता है, और यहाँ पर आपको सिल्वर क्रोम देखने के लिए मिल जाता है। अब इसके इंटीरियर में जाते हैं और आपको सबसे पहले ये देखिए ऑन ऑफ का बटन कितना शानदार दिया हुआ है गोल्डन सिल्वर फिनिश में। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले के कंट्रोल मिल जाते हैं, हुड अप डिस्प्ले व्यू, क्योंकि यहाँ इसमें 360 डिग्री कैमरा है, यहाँ पे आपको कैमरे के मिल जाते हैं। सबसे पहले इसके स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं तो स्टेयरिंग व्हील पे आपको यहाँ पे एक टोयोटा का लोगो देखने के मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल, वो आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल देखने के मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कॉल अप डाउन के जो आपको सिंपल उसमें मिलते थे सुजुकी हर गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिलते थे। और यहाँ पे आपके आ जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल, और इस साइड आ जाते हैं आपके लाइट्स इंडिकेटर कंट्रोल। अब सर इसकी MID की बात करते हैं तो इसकी जो MID है वो टोटली डिजिटल आ रही है, और देखने में कितनी शानदार लगती है इसकी MID, आप देख सकते हैं यहाँ से पूरी डिजिटल आती है। और ये जो MID है इसमें पावर, ईको और चार्जिंग का ऑप्शन आता है, और इसमें आपको सब कुछ दिखाता है। और अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देखते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है इस कार का, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको हैजार्ड लैंप मिलता है जो गोल्ड में आता है, पुरानी कार्स में ऐसे नहीं आता था। और AC विंड्स इस कार की कुछ ऐसी दिखाई देती है, आगे तरफ 4 AC विंड्स इसमें मिलती है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको AC के विंड्स मिल जाते हैं। तो इसके आप ग्लव बॉक्स दिखाते हैं तो आपको ऐसा इसमें ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको डे नाइट ORVM मिलता है, और जो आपकी ये लाइट्स आती है ये आपकी हैलोजन में आती है, LED लाइट्स आपको नहीं मिलती। और जो इसका सनरूफ है आप सनरूफ देख सकते हैं कितना बड़ा आपको इसमें सनरूफ मिलता है, और इसकी सनब्लाइंड है ये भी पीछे की तरफ जाती है, और ये 1 क्लिक में ही पूरा बंद हो जाता है, आप देख सकते हैं। और अब इसकी बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे आपको मिरर के साथ लाइट्स मिल जाती है, ये भी आपकी हैलोजन में ही आती है। और दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको लाइट्स हैलोजन में ही मिलती है। और अब इसकी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। और अब इसके गियरनों की बात करते हैं, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये ऑटोमेटिक वर्जन है, तो यहाँ पे आपको ऐसा गियर नो मिलता है, यहाँ पे हैंड ब्रेक आपको ऐसा मिलता है, यहाँ पे आपको EV मोड और ड्राइव मोड आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट इसमें देखने के लिए मिलती है। और इसकी सीट्स की बात करें तो ये बकेट सीट आती है, और इसका थाई सपोर्ट की बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। और नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, एक USB चार्जर मिल जाता है, यहाँ पे आपका ट्रैक्शन का मिल जाता है। पीछे की विंडोज़ की बात करते हैं तो पीछे की विंडोज़ पे आपको ये सब मिलता है,
पे डुअल टोन आपको इंटीरियर मिलता है, यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाते हैं, यहाँ क्रोम देखने मिलता है। आप इसके इंटीरियर में जाते हैं और इंटीरियर में देखते हैं तो यहाँ पे पीछे की तरफ भी आपको एसीमेंट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है विथ 2 कप होल्डर। और इसके आर्मरेस्ट की बात करें तो इसका आर्मरेस्ट अच्छा खासा है और पीछे से ओवरऑल आपको ये कार ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पीछे की तरफ 3 हेड सपोर्ट आ जाते हैं। अब इसमें पीछे की तरफ जाते हैं और आपको पीछे की तरफ स्पेस दिखाते हैं कि कैसे लगता है। और यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती है और यहाँ पे आपको ग्रैब करने का हैंडल मिल जाता है। बैक से आपको दिखाते हैं तो बैक से आप सबसे पहले यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है हाई स्टॉप लैंप जो अब चल रहा है, कितना शानदार लगता है। और यहाँ पे आपको एक डिफोगर वायरलेस वाइपर इसमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ आता है एक टोयोटा का शानदार लोगो मैटनिक्स में और यहाँ पे एक क्रोम जो टोयोटा का शुरू से आता है हर कार में। और यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती है सी टाइप में ये DRL के साथ और कितनी प्यारी ये लगती है, पूरी लाइट्स LED में है। और नीचे की तरफ आपको मिल जाता है इंडिकेटर और स्टॉप लैंप और यहाँ पे आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर। और आप देखेंगे पीछे से तो ये पीछे से ऐसे दिखते हैं। इस साइड आपको मिल जाते हैं अर्बन क्रूजर हाइब्रिड की बैजिंग क्योंकि ये पूरा का पूरा वेरिएंट हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अब बहुत सी कारों में आ रही है। और नीचे की तरफ आपको मिल जाता है यहाँ पे रिवर्स कैमरा, क्योंकि रिवर्स कैमरा आपको पीछे की तरफ इसलिए मिलता है क्योंकि ये 360 डिग्री कैमरा इसमें आता है। और पीछे की तरफ बात करें तो पीछे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं और जो इसका साइलेंसर है वो इस साइड आता है। और अगर बात करें इसके स्प्लिट टायर की तो स्प्लिट टायर आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। का बूट स्पेस आपको दिखाते हैं तो बूट स्पेस आपको जो आपकी ग्रैंड विटारा है उतना ही मिलता है। और यहाँ पे आपको एक पावर फिल्टर मिल जाती है और यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक में ये मिल जाते हैं जिससे आप इसको आराम से खोल सकते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, ये हट भी सकता है। यहाँ पे आपको लैम्प मिल जाता है जो आपको ब्रेजा में भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और ओवरऑल आपको ऐसे दिखाई देते हैं ये पीछे से।